आज बीपीयूटी के फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो बी फार्म का नाम ही से बहुत से पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट सोचते कैसे, किस एंगल से सोचते, ठीक है, तो उसी पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हम आपको जिस तरह से अभी सिचुएशन देखा जा रहा है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बहुत सारी समस्या है सभी के साथ, तो बी फॉर्म का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बारे में उसकी पूरी तैयारी करवाऊंगा आपको, बहुत कम समय में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपको पास होने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बी फार्मा में दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है कि आपको पास हो जाना है, दूसरा होता है कि नॉलेज के लिए, मतलब स्टडी करते कि नॉलेज के लिए, एक डिग्री के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अगर आपको मतलब बी फार्मा का क्लियर हो जाए सारे पेपर तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं हर दिन सारी वीडियो डालते रहूँगा, आप फुल वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, सिलेबस दिखाता हूँ पहले आपको कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में कितने सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जिस तरह बैचलर ऑफ फार्मेसी में हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया फार्मास्यूटिक्स 4, ठीक है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें ये सब टॉपिक आते हैं। मैं फिर सारे के एक एक करके बताऊंगा, अभी मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ बातें बताऊंगा इम्पोर्टेंट, सब वीडियो स्किप ना करें, जरूर पूरा देखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 4। उसके बाद हो गया सेकेंड सब्जेक्ट में हमारा, हो गया फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बीच बीच में मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी मैंने बताया फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये नीचे का ऐसे रेफरेंस दिया हमारे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया क्वालिटी एश्योरेंस एंड GMP, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट हो गया। बी फॉर्म का कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारा ये थर्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड GMP। उसके बाद हमारा फोर्थ सब्जेक्ट में आता है क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस, ओके, फार्माकोविजिलेंस का अलग से कोर्स भी किया होता है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस, मैं सारे बताऊंगा। ये हमारा हो गया फिफ्थ सब्जेक्ट, ओके, फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हर्बल ड्रग के बारे में सारा बताया जाता है, निके करके पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आपको कम समय में, आपके एग्जाम से पहले ही, इतना याद रखें, आप वीडियो पूरा जरूर देखते रहे। ये हो गया हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ओके, अब फार्मेसी को भी इतना हार्ड ना बनाए, ठीक है, फार्मेसी बहुत इजी है अगर देखा जाए तो, आप अगर समझ से पढ़े तो, ठीक है। तो मैं हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा कवर कराऊंगा, सिलेबस पूरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊँ, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीपीयूटी एग्ज़ाम ले या नहीं ले, आपका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, एक एक करके, और एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं, सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। हमेशा ध्यान देना है कि हमारे वीडियोस कहीं भी स्किप ना हो, फुल वीडियो ज़रूर देखते रहें, ऐसा नहीं कहीं पर कहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बात बोली वो छूट जाए, तो लगातार हमारे साथ बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग से फिर एक एक सब्जेक्ट कर करके फिर बारीकी से सभी के बारे में बताऊंगा और सारा चीज़ बताऊंगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों में, ताकि आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम ले भी लिया जाए तो शायद वो लोग भी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। धन्यवाद।